प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गिदड़ की सरदारी नामक एक ऐसी बाल हास्य कहानी सुना रही हूँ जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। कई बाल पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इस कहानी के लेखक हरियाणा के जाने माने साहित्यकार श्री नफे सिंह कादियान जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह बाल हास्य कथा। सिंधु वन में एक गिद्ध रहता था। जंगल में मटर गश्ती करते हुए उसे एक सिंह का कांटा मिल गया। उसने कांटे का छल्ला बना अपने कान में डाल लिया। छल्ला डालकर जब उसने तालाब के पानी में अपना चेहरा देखा तो वह फूला न समाया और उसने सोचा कि अब तो मैं सभी जानवरों में खास हो गया हूँ। उसने जानवरों के पास पहुंचकर यह ऐलान कर दिया कि मैंने सरदारी का छल्ला पहन लिया है और इसलिए आज से सभी मुझे गीदड़ सरदार कहकर बुलाएंगे और सभी जानवर मेरे हुक्म की तामील करें। गीदड़ के सरदार बनते ही उसके चारों ओर चापलूसों का जमावड़ा एकत्र हो गया। मजाक में वे उसे नए नए सुझाव देने लगे। गधे ने कहा, सरदार साहब के लिए एक मंच का निर्माण किया जाए। और ऐसे ही भैंसे ने कहा कि मंच को हमारे शुद्ध गोबर से लीपा जाए। शेर ने गुर्राते हुए कहा कि सरदार साहब के गले में मेरे द्वारा खाए गए जानवरों की हड्डियों का हार पहनाया जाए। ऐसे ही शरारती लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी पूंछ पर कांटेदार झाड़ी बांध दो, जिससे यह बड़ी सुंदर भी लगेगी और सुंदर पूंछ ही असली सरदारी की निशानी होती है। एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जानवरों द्वारा पत्थर एकत्र करके सरदार साहब के लिए मंच बनाया गया और उसे भैंसे के गोबर से लीपा गया। हाथी ने सूंड से एक बड़ा पत्थर उठा मंच के बीच रख दिया। उस पत्थर पर बड़ी शान के साथ सरदार गिदड़ जी विराजमान हुए। सबसे पहले शेर ने उसके गले में हड्डियों का हार डाला और उसके सरदार बनने पर स्वागत किया। सरदार चिन्ह के रूप में लोमड़ी ने एक सूखी कांटेदार झाड़ी गिदड़ की पूंछ से बांध दी। वहां उपस्थित सभी जंगल जन सरदार गिदड़ की शान में गीत गाने लगे। कान में छल्ला, गले में हार, सरदार का सजा दरबार, गिदड़ जी पर हमें हनाज, करके रह गए हमारे सारे काज। अपनी तारीफ में गीत सुन गिदड़ फूला नहीं समा रहा था। वह सभी जानवरों को आदेश देते हुए बोला, सभी जंगल जन मुझे आकर बारी बारी सलाम करें और जोर से जयकारा लगाते हुए बोले, सोने का तेरा मंच बना, ऊपर सजा सिंहासन, हम सब तेरा हुक्म बजाए, जंगल में तेरा शासन। मंच के सामने आकर हर एक जानवर जयकारा लगाने लगा। सबसे पहले शेर ने मंच पर बैठे गिदड़ को सलामी देते हुए नारा लगाया, सोने का तेरा मंच बनाया, ऊपर सजा सिंहासन, हम सिर्फ तेरा हुक्म बजाएं, जंगल में तेरा शासन। फिर भेड़िए ने आकर सलामी दी। उसके बाद गधे, भैंसे, चीते, सुअर सब ने उसे सलाम किया और जंगल में चले गए। आखिर में लोमड़ी रह गई। वह गिदड़ के मंच से काफी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे मंच से दूर खड़ा देख सरदार साहब गुस्से से लाल पीला हो गुर्राया, पिद्दी लोमड़ी, तेरी ये मजाल जो मेरी हुक्म की अदूली करे, चल मेरे पास आ और मुझे झुककर सलाम कर, और अब तू दो बार यह नारा लगाएगी, सोने का तेरा मंच बना, ऊपर सजा सिंहासन, हम सब तेरा हुक्म बजाएं, जंगल में तेरा शासन। शरारती लोमड़ी मंच से थोड़ा और दूर जा, गिदड़ पर कटाक्ष करते हुए बोली, पत्थर का तेरा मंच है, ऊपर सना है गोबर, हम सब तुझको पत्थर मारे, लगता है तू जोकर। यह कह लोमड़ी भागने लगी तो गिदड़ उसे मारने दौड़ पड़ा। गीदड़ को पीछा करते देख लोमड़ी झट से पेड़ पर चढ़ गई। सरदार गीदड़ जी का अपमान हो गया था, इसलिए वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ ऊपर देखकर लोमड़ी से बोला, मैं हूँ सरदार जंबू, तेरे पेड़ नीचे मैंने लगा लिया तंबू, कभी तो नीचे उतरेगी पिद्दी लोमड़ी, फिर खाल उधेड़ बनाऊंगा तेरा बंबू। वो देख शहर से गिदड़ मार अपने शिकारी कुत्तों के साथ चले आ रहे हैं, वो उखाड़ेंगे तेरा तंबू,
और खींच टांग बनाएंगे तुझे लंबू। सरदार साहब जरा संभल कर भागना, ये कुत्ते तेरी सरदारी फाड़ेंगे। पेड़ के शिखर पर बैठी लोमड़ी नेहा खिलखिलाकर हंसते हुए गीदड़ को कहा, गीदड़ मार शिकारी कुत्ते, अच्छा तो पेड़ से नीचे उतरकर भागने की यह योजना बना रही है, लेकिन आज मैं तेरी चाल में नहीं आने वाला। गीदड़ का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पेड़ों के झुरमुट से चार पांच खूंखार कुत्ते आते दिखाई दिए। कुत्तों को देख गीदड़ की गिग्गी बंद गई और वह उनसे बचने के लिए सर पर पांव रखकर भागा। गीदड़ की पूंछ पर बंधी झाड़ी के कारण भागने में उसे बड़ी परेशानी हो रही थी। झाड़ी झुंड झंकारों में इधर उधर उलझती जा रही थी। इस बीच गीदड़ मारों के शिकारी कुत्ते उसके सर पर पहुंच गए। कुत्तों को देख वह बेतहाशा भागा। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाते, उसने अपनी मांद में छलांग लगा दी और वह अंदर समा गया। मगर मांद के मुहावने पर उसकी पूंछ पर लगी झाड़ी अटक गई। गिदड़ी ने अंदर से कहा, स्वामी जल्दी अंदर आ जाओ, नहीं तो कुत्ते तेरी पूंछ फाड़ देंगे। गिदड़ मिमियाया, अंदर कैसे आऊं भाग्यवान, दिन बचे मेरे थोड़े, लोमड़ी ने काटे जोड़े, ये सरदारी पीछा ना छोड़े। तभी पीछे से आकर कुत्तों ने झाड़ी को मुंह में पकड़कर झटका मारा तो उसकी पूंछ उखड़ गई। अंदर आ गिदड़ रोते हुए बोला, चापलूसों ने मूर्ख बनाया, सरदारी दे दी भारी, जड़ से मेरी दुम उखाड़ी, कर गए मक्कारी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे चाटुकर हमेशा हमारा हित अहित ही चाहते हैं और हमें उनसे बचकर रहना चाहिए।